Welcome to Borail News. 11 Assam Rifles organized Know Your Army among students in Haflong. 11 Assam Rifles based in Haflong under the aegis of Headquarter 21 Sector and Headquarter Inspector General Assam Rifles East conducted a lecture on Know Your Assam Rifles and Army at Singya Sombudan Senior Secondary School Haflong, Assam on Thursday. During the program, the students were briefed motto of the Indian Army, Service Before Self. The Haflong Battalion organized lecture on Know Your Army and Assam Rifles. During the program, students were briefed that the Indian Army is the vigilance arm of the nation that safeguards and protects the citizens from harm, helps the citizen in times of need, even sacrificing their lives in the process of saving people of the nation while instilling motto of the Indian Army, Service Before Self. The objectives of the program was to spread awareness about armed forces among civil population and motivate youth to join Indian Armed Forces. The student participations were informed on how they can get entries in Army and Assam Rifles in different levels and were given a guidance on how to pursue their career to join as an officer and soldier in the Armed Forces. The event saw overwhelming participation from large number of students and school staffs as well. The initiative was highly appreciated by the school authority while paying gratitude to Haflong Battalion of 11 Assam Rifles for organizing such a motivational lecture to students. Money, मतलब पैसे से related, safety, security, medical facility, हर चीज़ का facility है आर्मी के अंदर, medical का है, even आपका नहीं, आपके पूरे family का, plus education facility है, उसके बाद आपका travelling facility है, accommodation facility है, हर चीज़ का facility है, साथ में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, कि आप एक nation को serve कर रहे हैं, अपना हर चीज़ का पूरा करते हुए आप एक अपने देश को represent कर रहे हैं, अपने nation को serve कर रहे हैं, ठीक है? तो असम राइफल में आप लोग एंट्री कैसे ले सकते हैं? एवरी ईयर 10+2 लेवल पे आपको बताता हूँ, एवरी ईयर एडवर्टाइजमेंट निकलता है। अभी इस साल का एडवर्टाइजमेंट हो गया, अभी सितंबर में रैली होने वाला है। दो तरह का एंट्री है असम राइफल में, एक एसएससी एंट्री बोलते हैं, एसएससी में भी राइफल में मतलब सिपाही के लिए, राइफल में जीडी प्लस महिला दोनों के लिए एसएससी एंट्री हर साल एडवर्टाइजमेंट निकलता है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस में होता है। और इसका रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग सेंटर है, हाफलोंग में है, डिमापुर में है, डीफू में है, जोरहाट में है, अलग अलग सिलचर में है, अलग अलग जगह सेंटर पड़ता है। आप लोग के लिए वुमेन के लिए बताता हूँ, राइफलमैन जीडी में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो जनरल ड्यूटी है, क्लर्क के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद मेडिकल स्टाफ भी है। आगे चल के अगर आप लोग कोई नर्सिंग को परस्यू कर रहे हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, तो नर्सिंग के लिए भी है हमारे पास। आप लोग सीधा नर्स जो आप लोग जैसे स्टेट में ये करते हैं ना, आप लोग स्टेट नर्सिंग जो ज्वाइन करते हैं आप लोग, उसी तरह असम राइफल में आपने एक बार नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो डायरेक्ट नायक सुबेदार 1-स्टार रैंक है, चाहे वो महिला हो चाहे बॉयज़ हो आप लोग, ठीक है? तो उसके लिए भी है बॉयज़ के लिए, और अच्छा बहुत अच्छा अच्छा टेक्निकल लाइन है, वारंट अफसर RM रेडियो मैकेनिक बोलता है, उसमें सीधा वारंट अफसर रैंक है। हौलदार में आप लोग हौलदार क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग क्लर्क के लिए जाना चाहते हैं, आफ्टर 10+2 आपने क्या करना है, एक कंप्यूटर कोर्स कीजिए, ठीक है? कंप्यूटर कोर्स रिक्वायर्ड है अगर आप लोग क्लर्क के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, एक कंप्यूटर कोर्स कीजिए। आपका टाइपिंग होना चाहिए, टाइपिंग आपको इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट, ये इसका क्राइटेरिया है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट निकलता है, ऑनलाइन आप उसको फिलअप कीजिए, कोई भी सेंटर आएगा वहाँ पर आपने फिजिकल है, बॉयज़ के लिए तो 5 किलोमीटर है 24 मिनट्स में, गर्ल्स के लिए ओनली 1600 मीटर आपने फिजिकल रनिंग करना है, 8.30 मिनट्स टाइम है इसके लिए, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग असम राइफल में ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब अभी लड़के लोग ऑल ओवर इंडिया का हमारे पास है, इतना अच्छा वो लोग मतलब कर रहे हैं। कल परसों हमने एक और लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था, हमारे लड़के लोग ने जाके गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर लिया था, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, और देश का सेवा के साथ साथ एक बहुत अपना मतलब ये प्राउड मोमेंट है, आप लोग अपने आप को यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आर्मी के लिए ये तो मैंने आपको नॉर्मल एंट्री बताया, बॉयज़ के लिए भी, बाकी मैं आपको बताता हूँ अफसर रैंक में आप लोग किस तरह से आ सकते हैं।
ठीक है, असम राइफल के अलावा आप अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अफसर इन पे आप लोग किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, वह तरह का एंट्री है जो आप लोग अच्छे स्टूडेंट, देखिए अच्छे नहीं सब अच्छे हैं, ठीक है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को हार्ड वर्क करने की जरूरत है और आप लोग आसानी से सिलेक्शन हो सकते हैं। दो तरह का एंट्री है इंडियन आर्मी में, टू टाइप्स ऑफ एंट्री है, एक है अंडर ग्रेजुएट और एक है ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट में क्या क्या एंट्री है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, यानी 10+2 लेवल पे अगर आप 10+2 करने के बाद, चाहे वो अपेयरिंग है, जैसे आप लोग अभी 10+2 अपेयरिंग है, तो या आप लोग 10+2 अपेयरिंग है या 10+2 आपने कर लिया है, तो सबसे पहले होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA एंट्री बोलता है जो बॉयज़ के लिए, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी में 10+2 पे आपने तैयारी करना है। इसका एज है 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स तक का एज है। तो आपने क्या करना है, 10+2 को पढ़ाई के साथ साथ अपना जो है अच्छा से इसके लिए इंग्लिश मैथ्स दो तरह के पेपर होता है, जनरल इंग्लिश और मैथ्स का पेपर आता है। मेरा तो एक ही ड्रीम है आर्मी बनने का और मैं बनना भी चाहता हूँ, और सर का बात से तो बहुत अच्छा भी लगा, एक तो कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आगे तो बहुत डर था ना कि ज्वाइन करेगा बट मिलेगा ना नहीं मिलेगा, लेकिन सर का बात से तो लगा हेल्पफुल है, हेल्प करेगा, इसलिए मैं आगे भी सर के पास में बात करना चाहेगा, इसके बारे में आगे जानकारी भी चाहिए हम लोग। मैं तो फीमेल लोग ज्वाइन नहीं कर सकता रहा, लेकिन अभी तो ये यो दिया बोल दिया, हम लोग भी ज्वाइन कर सकेगा, हम लोग भी है लड़का लोग का With camera person Sushanta Lavangdisa reporting by Pankaj Timung, Borail News.